नमस्कार, आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नरडाल के कुछ मुख्य समाचारों पर। वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेसी नेता रतन सिंह ने रोजर स्कर पार्टी का आयोजन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं दिल्ली RWS फेडरेशन ने फ्री कानूनी सहायता का एक शिविर किया। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। हम पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहां हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ मेन रोड, मेन गजीराबाद रोड, जसपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2812-3222। ग्रेट वे मेंस वियर, स्पेशलिस्ट इन जेंट्स सूट एंड सफारी सूट, रेडीमेड गारमेंट, टेलर्स एंड ड्रेपर्स। पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोड, राजनगर, शाहदरा, दिल्ली 32। फोन 2211-8807, 2257-4882। अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ समाज सेवी है चौधरी रतन सिंह ने रोजर स्कर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पेश है दीपा की रिपोर्ट। सभी रोजेदारों से गुजारिश है और आने वाले मेहमानों से भी गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें, और जो भी लोग बाहर खड़े हुए हैं वो मेहरबानी करके अंदर आ जाएं, अपनी अपनी जगह ले लें। और रोजेदारों से गुजारिश है कि वो जो जगह खाली है वहाँ पर, बीच की जगह खाली है, वो लोग जो है बैठ जाएं, और जो मेहमान हैं वो भी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, कुर्सियाँ खाली हैं, कि लिहाजा आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे जो मेहमान हजरात हैं वो लोग भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे पूर्व मंत्री जी भी थे पहले, हमारे विधायक जनाब हारून यूसुफ साहब एवं पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जनाब अरविंदर सिंह लवली जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। राजा हमारे चौधरी मतीन साहब जी आ गए हैं, उनका भी खैर मकदम है। बाहर चला रहे, बाहर से चढ़ के की
बाद में नमाज अदा की जाएगी, लिहाजा आप लोग तसल्ली से अफ्तार करें और तरतीब बनाए रखें। उधर लिहाजा उस तरफ जो है जाकर तरतीब न खराब करें, भीड़ उधर न ले जाए खाने की तरफ। पहले नमाज अदा होगी उसके बाद में खाना खोला जाएगा। कैसे महसूस हैं? हेलो, श्री जगदीश टाइटलर जी भी तशरीफ ला चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका भी खैर। हमारे सईद खान भाई भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी खैर मकदम है। फुरकान भाई भी आए हुए हैं, उनका भी जो है भूमिका आपने बनाई थी 10 दिन में, वो भूमिका आज भी कांग्रेस को जनता याद रहती क्या बोलते और खुशी की बात है कि और वरुण चौधरी जी जिन मेहमानों को भी बुलाते हैं वो सभी लोग आते हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मकसद हम करते हैं सरकार की तरफ से, धर्म है, हिंदू भी है, मुस्लिम, और सभी लोग एक बहाना खुल गया है साथ मिल के बैठने का। जो मेहमान भी हैं और रोजेदार भी हैं, सभी लोग खाना पहले और खाना खाकर ही घर जाए। और वरुण चौधरी जी दोनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सालों साल ये सिलसिला चलेगा और इसी तरह हम सब धर्म के लोग एक साथ बैठ के रोजा अफ्तार करेंगे और साथ में एक दूसरे के भलाई के लिए भगवान से, खुदा से, अल्लाह से प्रार्थना करेंगे। वाहेगुरु। क्या मुझे आपने 5 वर्षों में पूरा टांग सन्ना घूम दिया, कुछ बचपन नहीं छोड़ा आपके भाई यहाँ के हाँ स्वाभाविक रूप से मेरा काम है। मैं पिछली दफा भी एक साल भी छोटे से ब्रेक का बाइक की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके
द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हॉकी स्कूल। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा बट्टे। फोन नंबर 2230-6292 2239-2314। रेडी टू हैव अ फीस्ट ऑफ टेस्ट एज ABS Enterprises प्रेजेंट्स देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG माउथ वाटरिंग फ्रूट जैम्स, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great combo! ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं दिल्ली RWS फेडरेशन ने फ्री कानूनी सहायता हेतु एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज AS जयचंद आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पेश है शुभम की रिपोर्ट। अपना समाज में जो ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध है, जिसको बुजुर्ग की बारे में एक जगह में कहा है, शंकराचार्य जी ने सिर्फ प्रतिशाली रहे, पूरा हिंदुस्तान घूम के चारों कोने में अपनी मट्टी स्थापित की। लेकिन मैं ये अवसर पर आदि शंकराचार्य को याद करना उचित समझता हूं, क्योंकि भवानी अष्टक में 7वीं श्लोक में ये कहा है, हरे कर्म का यही हाल है, शायद अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्त, अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्त, सदा जागरूक रहा, ये कहते हैं। वो कहते हैं बुजुर्ग अवस्था में अनाथ हो जाते हैं, चाहे आपके वंश में कितने भी बच्चे हैं, कोई आपके साथ देने वाला नहीं, आप करोड़ों रुपये कमा। बुजुर्ग अवस्था में जब वो शैया में पड़े हैं, तो वो टाइम में वो इतना खिन्न और दीन है, खिन्न की मतलब कोई उसको साथ देने वाला नहीं है, और बड़ा दीन है, चाहे वो भिखारी भी हो उसको रिक्वेस्ट भी कर लेता है, आ जाओ भाई मेरा मदद करो, बड़ा उठाओ। यह अवस्था सबका है। इसी अवस्था में सिर्फ हमारा संस्कार है भारत देश में बच्चों की और उनका वंशजों का बहुत क्या बोलते हैं बड़ा कर्तव्य होता है अपने बुजुर्ग माता पिता और जो भी घर में बुजुर्ग है उनको देखभाल करना, क्योंकि सिर्फ ये भारतीय संस्कृति है। आचार्य देव हमारे आंखों के सामने दिखने वाली और कोई भगवान ही नहीं है अवसर, और न माता पिता के अलावा, और ये माता पिता अगर दूसरे भी माता पिता हो वो भगवान से भी बड़ा है अवसर। आपने जो भी दादा दादी नाना नानी है वो भगवान से बढ़कर है, उसकी तरफ हमें दुख की बात है अपनी इस संकीर्ण दुनिया में हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कानून तक सहायता लेने का उसको मजबूर कर रहे हैं। ये कानून के बारे में अपना साथ ही लोग जो जिससे यहाँ कह गए हैं और अपना जो भी छाना चाहते हैं कानून के बदल, लेकिन अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, इसीलिए थोड़ा सा व्यापार भी हो रहा है और फसल भी हो रहा है, तो इसलिए ये आशा रखते हुए ये अच्छी शुभ अवसर है कि हम यहाँ आयोजन किया है यहाँ पे दिल्ली कल फिर रात में फेडरेशन वालों को। मैं मेरी तरफ से और अपना जिला कानून समिति की तरफ से दिल्ली के कानून सेवा प्राधिकरण की तरफ से मैं इतना अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। सी मेरा लोकेट भी है जो हमारे कोर्ट में भी आपका देशों में था एग्जेक्टिव इंजीनियर भी रहा जन्म आता और सुब्रमण्यम भी रहा, मैं उसमें अभी था जबकि यहाँ पे देशों की कोई बिल्डिंग नहीं थी, सारी तरह की बिल्डिंग थी, और जब मैं एग्जेक्टिव इंजीनियर बना
तो मैंने देखा खाली प्लॉट पड़े हूँ, तो मैंने कहा खाली प्लॉट में यार अगर हम देशों के दर्शक बनाए कितना अच्छा रहेगा। आज मुझे इस बात का फख्र है कि जहाँ पे पहले एक एक्शन था और चार एक्शन हैं और प्राइवेट एक्शन के हम पोस्ट शुरू में अपोज कर रहे थे, आप भी अपोज कर रहे हैं, उसके रीजन हैं जो कि आपने चौथा काम ये किया कि दिल्ली विद्युत सेवाएं प्राप्ति जो बिल बनाया आपने ये बहुत अच्छा किया है। आज दिया यू डिजर्व कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी। जैसे मेरे आवर्ड अटेंडिंग मीटिंग है इन सब्डिवीजन डेवलपमेंट क्लब हर कोई की तरफ से था। अब वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडीपी पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have the feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka Utkrisht Utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 228-31594. Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school, learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computer and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competition. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Break your aapka fir se swagat hai. Aur notice jata hai usse form D kaha jata hai. आप एक फिक्स डेट पे शो कॉज नोटिस जिसमें जो लिखा हुआ है डेट पे आएंगे तो इसमें अपोजिट पार्टी जो आपके बच्चे हैं वो वहां आएंगे और अपनी बात कहेंगे। उसी दिन पे ये बात डिसाइड की जाती है क्या ये बात सुलझाई जा सकती है मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस जो आप क्लेम कर रहे हैं क्या बच्चे राजी हो रहे हैं। तो इसके लिए एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक कॉन्सिलेशन फॉर्म भराया जाता है, उसके लिए फॉर्म ई वहां पे आपको भराया और आपको कॉन्सिलेशन के लिए भेज दिया जाता है। अब कॉन्सिलेशन पे भेजने के बाद में अगर वाकई में ये सामंजस्य के साथ में निपट जाती है बात की भाई तय कर लेते हैं कि पेरेंट्स को देने के लिए राजी है, पेरेंट्स को अपने साथ में रखने के लिए भी राजी है और सारी पेरेंट्स एक्चुअल में क्या एक्चुअल में उनकी जो नीड्स हैं वो सारी होनी चाहिए। और अगर हम मेंटेनेंस की मेंटेनेंस में क्वांटम की बात करें तो ये फिक्स रह किया हुआ है, अभी इस पर 10,000 रुपए तक का प्रावधान है मंथली। जब आप कॉन्सिलेशन ऑफिसर के साथ बैठे और अगर इनके बीच में सामंजस्य के साथ में सेटलमेंट होता है तो एक सेटलमेंट आ जाता है। इस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट को फॉर्म ई कहा जाता है। ये फॉर्म ई अलोंग विद फॉर्म एफ जो कि एक पॉइंट उसके बाद में चीजें डिसाइड की जाती है। यदि आपको उस क्लेम में ऑब्जेक्शन है तो इसमें अपील का भी प्रावधान है। इसीलिए साथ ही साथ हमारे दिल्ली प्रदेश में नौ एपलेट अथॉरिटीज भी बनाई गई है। ये नौ एपलेट अथॉरिटीज भी सेम जगह पे हैं, इनको हेड करता है डिप्टी कमिश्नर उससे उस जोन का। अब हमारे जैसे जमुना पार्टी में अगर बात करें तो हमारे ये दोनों के दोनों किशनगंज एलमगंज में और एक जो दूसरा है वो नंद नगरी में दिया हुआ है।
तो आप एनसीए के पास जाके डिप्टी कमिश्नर पे अपील कर सकते हैं, उसके बाद सेम वही प्रोसीजर फॉलो होता है। अब सबसे बड़ी समस्या तो फिर आई कि भाई ओल्ड एज होम जो थे वो थे लिमिटेड, हमारे यहाँ व्यक्ति कई आने लगे, तो इसमें फिर हमने एक वो किया कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे हम फॉर्म्स निकालेंगे इसके, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में जब संख्या ज्यादा आ गई एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे कि भाई एक्चुअल में सर्कमस्टांसेस के हिसाब से किसको बहुत ज्यादा अभी उस परिस्थितियों में आवश्यकता है, फिर उनको चुनने के बाद रखा जाता है। स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि भाई हॉस्पिटल की फैसिलिटीज हमेशा अवेलेबल हो इनके लिए, पुलिस प्रोटेक्शन हमेशा अवेलेबल हो, वार्ड्स का वार्डन और गार्ड्स की सिक्योरिटी का, सारी सैनिटेशन की सुविधाएं, इसके लिए पूरी एक मेंटेनेंस कमेटी इनके लिए बनाई गई है अमेंडमेंट के बाद में, ये सारी चीजें। अमेंडमेंट के बाद में डिप्टी कमिश्नर्स को भी स्पेशल पावर थोड़े और डीएलएसए का जिला विधिक लिखा हुआ है, विधिक नहीं है, विधिक है, सेवाएं प्राधिकरण। तो कोई भी बुजुर्ग हो या कोई भी गरीब हो, अगर उसे कोई कानूनी सहायता चाहिए और उसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, वो अपना वकील नहीं कर सकता है, तो वो हमारे पास आ सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय 1 लाख से कम है, उसे अगर कोई केस लड़ना है, केस फाइल करना है या कुछ भी करना है, तो उसे हम वकील देंगे और सारा खर्चा जो है वो सरकार देगी। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, अगर उनकी सालाना आय 2 लाख से कम है, तो उन्हें भी हम केस लड़ने के लिए और कुछ भी जो कानूनी चीज है उसके लिए हम वकील लेंगे। तो उसके मैं चाहता हूं कि जो ये नॉलेज है, ये जो आपके यार दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उन लोगों को आप बताएं कि मुझे भी इस डीएलएसए में आने से पहले नहीं पता था कि सरकार की ऐसी योजना है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें मुफ्त सहायता, कानूनी सहायता, पूरा खर्चा ए से लेके जेड तक पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाती है। तो आप इन लोगों को जिन्हें जरूरत है उन्हें बताएं, अगर आपको भी जरूरत है हमारे पास आए, अगर आपकी आय 2 लाख से भी ज्यादा है तब भी आए, अगर हम आपको वकील नहीं दे सकते हैं, सलाह तो दे ही सकते हैं। तो मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं, जो आरएडब्ल्यू फेडरेशन की तरफ से जो ये स्टेज मिला है, इस स्टेज से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डीएलएसए के बारे में बताएं, ये एक ऐसी संस्था है जहां पे फ्री लीगल सर्विसेज मिलती है। धन्यवाद। जय चंद्रा जी और बैठे हुए अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, आपको खुशी होगी कि आज हमारे बीच में जज महोदय बैठे हुए हैं। जबकि जज साहब कम दिखाई देंगे आपको, कोर्ट में पाएंगे, आपकी समस्या को सुनने के यहाँ आए हुए हैं, आपको बताने के लिए कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको क्या आवश्यकता है, क्या उनको दिक्कत आती है, उनकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जज साहब ने और सेक्रेटरी महोदय ने अपना बहुत कीमती टाइम निकाल कर हमें दिया और हमें अपने साथ जोड़ा कि आप फेडरेशन के माध्यम से जो समस्या है, जो सुविधा है, वो जनता को बताएं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में जज के मोदी के साथ साथ हमारे सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, राधा शर्मा जी, रमाकांत कौशिक जी, राजेंद्र गुप्ता जी, सुप्रीसन अग्रवाल जी, दिनेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं, आपके किंडा गुप्ता जी, सर ये सभी हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं। स्टेज पर नहीं बैठा पाई क्योंकि सीट कम थी, मतलब मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको नाम जय गोपाल जी रिक्वेस्ट आपसे, मेरी ड्यूटी है कि मुझे बताने का। और यहाँ हमारे एक कवि महोदय बैठे हुए हैं, बहुत बड़े कवि महोदय हैं सर, शर्मा जी, दिनेश बाबू बेस्ट, सही है कि सर ये सीनियर सिटीजन भी हैं और बहुत बड़े कवि हैं। यदि आप मुझे परमिशन दीजिए, टाइम सर बैठे हुए हैं 2 मिनट, ये वो चीज़ सुनाएंगे आपको कि आप भी किन यहाँ पर कभी है और मत मूल करिए आपको, मेरी बेनती इनको तो टाइम देना बस। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में, और सबसे बड़ी मैं धन्यवाद करूंगा अपने सुविधा साहब का जो मेरे साथ कम से कम महीने से सर सुविधा को कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप प्राइवेट कोई वकील कर रहे हैं तो उसमें हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, FIR नहीं होती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। अगर FIR हो जाती है और मान लीजिए अक्यूज जो है वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं तो भी आप हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं, हमारे यहाँ आ सकते हैं कि भाई हमारी जो इन्वेस्टिंग कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर कोई भी
चाहे आप रिपिटेशन लगा लें, चाहे हमारे यहाँ डीएलएसए में आएंगे तो हम स्टेटस रिपोर्ट कॉल कर लेंगे, आइए वो बुला दें, आपकी बात भी बताई जाएगी। पुलिस का है उसमें हमारा रोल नहीं होता है, वो तो दर कोई दखल हम नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद वो केस ट्रायल पर जाएगा, आपको गवाह के रूप में बुलाया जाएगा, वो उसके हिसाब से प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, बात से काम है तो हमारे ऑफिस में आइए, आपको हम पूरी दुकान इस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के विषय में पेरेंट्स को जो परेशानी होती है उसके विषय में बताया, बच्चों से कैसे मेंटेनेंस ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज को उनकी को खतरा है तो हम ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, और तीनों प्राधिकरण हमारी कोर्ट में है, जो भी है समस्या उनका समाधान कर सकते हैं। मैं आदरणीय जज साहब को बता देना चाहता हूँ, ये फेडरेशन काफी समय से ऐसा काम कर रही है, अवेयरनेस का काम कर रही है, जो यहाँ की वेबसाइट है आप उस पर देख सकते हैं, पिछले 15 वर्ष से फ्री लीगल एड हमने फ्री चलाई हुई है, और हमने काफी समाज के जो सरकारी जमीनों के केसेस जो जिन पर जिन्होंने कब्जा किए फ्री मुफ्त लड़े हैं, कोई भी जाति धर्म का हुआ उसके लिए हमने उनके पेरेंट्स से मेंटेनेंस फ्री दिलाई है। मैं आपको कह सकता हूं कि मैंने ऐसे 50 केस इसी कोर्ट से और कोर्ट से कराए हैं, कोर्ट्स का भी सिंपैथेटिक एटीट्यूड रहा है। हमने दिल्ली की बहुत सी अदालतें, दिल्ली की नहीं पूरे देश की देखी हैं, लेकिन हमारे दिल्ली की जुडिशरी नंबर 1 पर है, और वो मैंने देखा आप दूसरी कोर्ट्स में जाएंगे तो जजेस बड़ी लेट बैठते ही होते हैं, या 10 बजे से 5 बजे तक कार्य होता है, सबकी बात सुनी जाती है, और हमको पूर्ण विश्वास है जितने भी हमारे जजेस गण हैं यहाँ, हमने उनकी भी कार्य प्रणाली को देखा है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि आपको कोई भी अवेयरनेस के लिए जो भी जब भी आप कहेंगे, एक बड़ा 1000-2000 का गैदरिंग का प्रोग्राम कराएंगी, और अपनी तरफ से जितने भी प्राधिकरण हैं उनके एड्रेसेस वगैरह हम उनको छपा करके आप लोगों में सब में बंटवा देंगे, जिसकी जहां कोई समस्या हो वहां अप्रोच कर सके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। शर्मा जी, और लास्ट में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर धर्मवीर गुप्ता जी, हमारी ये बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2110638 2120378 4898178710152। हमारा फैक्स नंबर है 2110638। ईमेल aapkiwaad@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pmnews.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्रीराम नगर, श्वारा, दिल्ली 32।